श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान गोवर्धन के साथ गाय और बैलों की भी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा जो कि 15 नवंबर 2020 को है, उस दिन प्रतिपदा की तिथि क्या रहेगी, प्रदोष काल के समय पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि क्या है और क्या है गोवर्धन पूजा का की कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्यौहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। गोवर्धन पूजा की पूजन विधि इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम के समय एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद गाय के गोबर से गोवर्धन जी की आकृति बनाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण का स्मरण करें और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाएं। इस दिन गाय और बैलों की पूजा अवश्य करें, उनका श्रृंगार करें और उन्हें स्नान कराकर फूलों की मालाएँ पहनाएं, दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें। इसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में ये मिठाई प्रसाद के रूप में सभी में वितरित कर दें। गोवर्धन पूजा साल 2020 में 15 नवंबर 2020 दिन रविवार को है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 15 नवंबर की सुबह 10:36 पर और समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 7:06 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 15 नवंबर 2020 दिन रविवार को दोपहर 3:19 से शाम के 5:27 तक। कुल अवधि रहेगी पूजन की 2 घंटे 9 मिनट की। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार त्रापर युग में ब्रज में इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। एक बार जब इंद्रदेव की पूजा की जा रही थी उस समय भगवान श्री कृष्ण उस पूजा में पहुंचे और पूजा के बारे में पूछने लगे। ब्रजवासियों ने बताया कि ये देवराज इंद्र की पूजा की जा रही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी नगरवासियों से कहा कि हमें इंद्र की पूजा करके कोई लाभ नहीं होता, वर्षा करना तो इनका कर्म है और दायित्व है और ये सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत हमारी गायों का संरक्षण और भोजन उपलब्ध कराते हैं जिनकी वजह से वातावरण भी शुद्ध होता है, इसलिए हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इससे इंद्र क्रोधित हो उठे और मेघों को आदेश दिया कि गोकुल का विनाश कर दो। इसके बाद गोकुल में भारी बारिश होने लगी और गोकुलवासी भयभीत हो उठे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के संरक्षण में चलने के लिए कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। इंद्र ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया लेकिन उनकी एक ना चली। उसके बाद जब इंद्र को ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान का ही अवतार है तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। तब से ही गोवर्धन पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।